सबसे पहले आप रुपीज 59 को कन्वर्ट करेंगे किसमें?
पैसे में, फिर उसमें 89 पैसे क्या कर देंगे ऐड, जो ऐड करके आंसर आएगा आंसर इन पैसे। नेक्स्ट है बी पार्ट, रुपीज 84.99 पैसे। अब इसमें भी वैसे ही करना है, सबसे पहले आप 84 को क्या करेंगे कन्वर्ट किसमें, पैसे में। सी रुपीज 1 इज इक्वल टू 100 पैसे। अगर 1 रुपीज में 100 पैसे है तो रुपीज 84 में कितने पैसे होंगे, व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई 84 विद 100 पैसे, 84 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे। जब आप 84 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 84,400 पैसे। बट दिस इज नॉट आवर एक्चुअल आंसर। अब आपको 99 पैसे भी इसमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो सी रुपीज 84 एंड 99 पैसे दैट इज इक्वल्स टू 8,400 पैसे प्लस 99 पैसे। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दीजिए, जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट आंसर, 8,499 पैसे। सबसे पहले आप 84 रुपीस को कन्वर्ट करेंगे पैसे में, जब आप 84 को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट रुपीस 8,400। फिर आपको इसमें 99 पैसे ऐड करने हैं, जब आप 99 पैसे उसमें ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट आंसर, 8,499 पैसे। नेक्स्ट है ई पार्ट, रुपीज 42.60 पैसे। सबसे पहले उसमें क्या करेंगे आप, 42 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, पैसे में। सी 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। अगर 1 रुपीज में 100 पैसे हैं तो रुपीज 42 में कितने पैसे होंगे, तो आप क्या करेंगे 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 पैसे से। बिकॉज जब भी आपको रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना है तब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज को किससे, 100 पैसे से। तो जब हमने इसको 42 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे, 100 पैसे से। 42 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे दैट इज इक्वल्स टू 4,200 पैसे। नोटा पर आंसर देखो, हमने सिर्फ 42 को कन्वर्ट किया किसमें, पैसे में। अब आपको इसमें क्या ऐड करना है, 60 पैसे। उसी रुपीज 42 एंड 60 पैसे दैट इज इक्वल्स टू 4,200 प्लस 60 पैसे। जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट आंसर, 4,260 पैसे। दिस इज आवर आंसर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 42 रुपीस को कन्वर्ट करेंगे पैसे में, जब आपने 42 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट किया देन व्हाट यू विल गेट, रुपीस 4,200। फिर आप रुपीस 42 4,200 पैसे में 60 पैसे ऐड कर देंगे देन व्हाट यू विल गेट आंसर, 4,260 पैसे। नेक्स्ट है एफ पार्ट, रुपीस 5.45 पैसे। अब इसमें भी क्या करेंगे आप, सबसे पहले रुपीस 5 को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, पैसे में। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, रुपीज 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 पैसे से। देखिए 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे। अगर 1 रुपीज में 100 पैसे तो 5 रुपीज में कितने होंगे, व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई 5 विद 100 पैसे। जब आप 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट आंसर, 500 पैसे। सिर्फ आपने 5 को कन्वर्ट किया पैसे में, वो आपको ऐड करना है इसमें, क्या ऐड करना है आपको इसमें, 45 पैसे। सी रुपीज 5 एंड 45 पैसे दैट इज इक्वल्स टू, जब आपने रुपीज 5 को कन्वर्ट किया पैसे में देन व्हाट यू विल गेट, 500 पैसे। तो आप 500 लिखेंगे प्लस साथ में कितना है, 45 पैसे। जब आप 500 में 45 ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट आंसर, 545 पैसे। दिस इज आवर आंसर। सबसे पहले आप 5 रुपीस को 100 पैसे में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे आप उसमें 45 पैसे ऐड कर देंगे। जब आप 45 पैसे उसमें ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट आंसर, 545 पैसे। सो नाउ वी विल डिस्कस पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
अभी हमने डिस्कस किया कि हम रुपीस को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देते हैं रुपीस को किससे, 100 से। अब आपको पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीस में। टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीस डिवाइड द अमाउंट बाय 100। जब आपको पैसे से रुपीस में कन्वर्ट करना है तब आप क्या करेंगे, जो आपके पास अमाउंट दिया होगा उसको आप 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। व्हाट यू विल डू, डिवाइड नंबर बाय 100। अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ए पार्ट है 800 पैसे, इसको कन्वर्ट करना है आपने किसमें, रुपीज में। तो क्या बोलते हैं, जब भी आपको पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना है, व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली डिवाइड द नंबर बाय 100। आप नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। तो डिवाइड 800 बाय 100। जब आप 800 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, देन व्हाट यू विल गेट आंसर, रुपीस 8। जब आप 800 को 100 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट यू विल गेट आंसर, 8, दैट इज रुपीस। आंसर किस में आएगा हमारा, रुपीस में। दैट मींस 800 पैसे दैट इज इक्वल्स टू रुपीस 8। क्लियर। नेक्स्ट है 4200 पैसे। अब 4200 पैसे को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप उसमें, रुपीज में। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, 4200 को डिवाइड कर देंगे सिंपली किससे, 100 से। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है पैसे को किसमें, रुपीज से। जब भी पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, यू विल डिवाइड द अमाउंट बाय 100। तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड 4200 बाय 100। जब आप 4200 को डिवाइड करेंगे 100 से, व्हाट यू विल गेट आंसर, रुपीज 42। जब आप 4200 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, देन व्हाट यू विल गेट आंसर, रुपीज 42। तो 4200 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 42। इसके इक्वल आ गया रुपीज 42। नेक्स्ट है सी पार्ट, 743 पैसे। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, सबसे पहले आप 743 पैसे को एक्सपेंड करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए एक्सपेंड करके क्या आएगा, 700 पैसे प्लस 43 पैसे, क्या आएगा, 700 पैसे प्लस 43 पैसे। तो अब क्या करेंगे आप, 700 पैसे को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। क्यों डिवाइड करेंगे आप 100 से, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है इसको पैसे से किसमें, रुपीस में। तो जब भी आप पैसे से रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड द नंबर बाय 100। आप नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। सो डिवाइड 700 बाय 100। जब आप 700 को डिवाइड करेंगे 100 से, देन व्हाट यू विल गेट आंसर, रुपीस 7, ठीक है। जब आप 700 को डिवाइड करेंगे 100 से, देन व्हाट यू विल गेट आंसर, रुपीस 7। दिस इज नॉट आवर एक्चुअल आंसर। तो 743 पैसे दैट इज इक्वल्स टू रुपीस 7 एंड कितने पैसे बच गए हमारे पास, 43 पैसे। तो आप लिखेंगे रुपीस 7 एंड 43 पैसे। जब आप इस टर्म को कन्वर्ट करेंगे देन व्हाट यू विल गेट, 743, यू कैन चेक। जब आप रुपीज 743 पैसे को फिर से कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पैसे में, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 743 पैसे। नेक्स्ट है 6840 पैसे। अब 6840 पैसे को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम रुपीज में, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले आप उस टर्म को क्या कर देंगे, एक्सपेंड। व्हाट यू विल डू, यू विल एक्सपेंड द टर्म। सी 6800 पैसे प्लस 40 पैसे। अब क्या करेंगे आप, 6800 को डिवाइड कर देंगे किसे, 100 से। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पैसे को किसमें कन्वर्ट करना है, रुपीज में। किसमें कन्वर्ट करना है आपको पैसे को, रुपीज में। व्हाट यू विल राइट, डिवाइड 6800 बाय
हंड्रेड सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज से डिवाइड कर देंगे आप हंड्रेड से. व्हेन यू विल डिवाइड 6800 विद 100 देन व्हाट यू विल गेट आंसर रुपीस 68. जब आप 6800 को डिवाइड करेंगे किससे 100 से तब आपके पास आंसर आएगा रुपीस 68. मतलब दिस इज नॉट आवर एक्चुअल आंसर. इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें रुपीस में. तो अभी तक सिर्फ हमने 6800 पैसे को कन्वर्ट कर लिया रुपीस में. तो कितना आया 68. साथ में क्या है 40 पैसे. तो आवर आंसर विल बी 6840 पैसे. दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 68 and 40 पैसे. तो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट है 4525 पैसे. इसको भी किसमें कन्वर्ट करना है आपने रुपीज में. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे रुपीज में. सबसे पहले आप इस टर्म को क्या कर देंगे एक्सपेंड. व्हाट यू विल डू यू विल डू यू विल एक्सपेंड द नंबर. सो 4500 पैसे प्लस 25 पैसे. तो 4500 पैसे को आप क्या करेंगे डिवाइड किससे 100 से टू कन्वर्ट इट इनटू रुपीस. रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड 4500 बाय 100. तो जब आप 4500 को किससे डिवाइड करेंगे 100 से. बट यू विल गेट आंसर रुपीस 45. जब आप 4500 ऐसे को कन्वर्ट करेंगे रुपीस में तो आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे किससे 100 से. जब आप 100 से डिवाइड करेंगे देन बट यू विल गेट आंसर रुपीस 45. अब हमारा आंसर क्या आएगा 4525 पैसे. दैट इज इक्वल्स टू रुपीस 45 and 25 पैसे. इज आवर आंसर. नेक्स्ट है 2356 पैसे. अब 2356 पैसे को भी कन्वर्ट करना है आपने किसमें रुपीज में. तो यू नो दैट कैसे करेंगे. सबसे पहले आप इस नंबर को एक्सपेंड करेंगे. उसके बाद नंबर को डिवाइड करेंगे 100 से टू कन्वर्ट इनटू रुपीस. वो जो पैसे की टर्म होगी उसको साथ में लिख देंगे. उसी है 2300 पैसे प्लस 56 पैसे. व्हाट यू विल डू यू विल डिवाइड 2300 बाय 100. 2300 को किससे डिवाइड कर देंगे आप 100 से. व्हेन यू विल डिवाइड 2300 विद 100 देन व्हाट यू विल गेट आंसर रुपीस 23. अब साथ में क्या हमारे पास 56 पैसे. तो 2356 पैसे डेट इज इक्वल्स टू रुपीज 23 and 56 पैसे. दिस इज आवर आंसर. तो अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे. अगर आपके पास कोस कोस्ट ऑफ वन ऑरेंज दी है रुपीज 3 and 50 पैसे और आपको निकालनी हो कोस्ट ऑफ 14 ऑरेंजेस तो कैसे निकालेंगे. क्लियर क्वेश्चन है कि आपके पास कोस्ट ऑफ वन ऑरेंज दी है. कितनी दी है कोस्ट ऑफ वन ऑरेंज आपके पास रुपीज 3 and 50 पैसे और आपको निकालनी है कोस्ट ऑफ 14 ऑरेंजेस. तो कैसे निकालेंगे आप कोस्ट ऑफ 14 ऑरेंजेस. आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे कोस्ट ऑफ वन ऑरेंज. किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप कोस्ट ऑफ वन ऑरेंज 14 के साथ. कोस्ट ऑफ वन ऑरेंज हमारे पास है रुपीज 3 and 50 पैसे. तो रुपीज 3 and 50 पैसे को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 14 से. देन व्हाट यू विल गेट आंसर. सी रुपीज 3 and 50 पैसे को आई वुड लाइक टू राइट एज 3.50. हम 3 and 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं रुपीज 3.50. अब आपको कोस्ट ऑफ 14 ऑरेंजेस निकालनी है. तो क्या करेंगे आप 3.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 14 से.
3.50 किसे कर देंगे आप मल्टीप्लाई 14 से, जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 ऑरेंजेस. सो आई एम रिमूविंग डेसिमल, व्हेन आई विल रिमूव डेसिमल आई विल गेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 14, दिस जीरो विल कैंसिल जीरो ऑफ न्यूमरेटर. नाउ सी 5 टू द 10 एंड 5 7 द 35 एंड 2 7 द 14. अब आप क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू रुपीस 49. तो कॉस्ट ऑफ 14 ऑरेंजेस कितने हैं, रुपीस 49. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ 14 ऑरेंजेस. सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट मनी कन्वर्जन ऑफ मनी रुपीस इनटू पैसे. जब आपको रुपीस से पैसे में कन्वर्ट करना है, व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई द रुपीस बाय 100. इसे मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीस को 100. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि पैसे को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करना है. तो पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे अमाउंट को किससे, 100 से. जो डिवाइड करके आंसर आएगा दैट विल बी रुपीस. थैंक यू.